फिलहाल हम हैं गया रेलवे स्टेशन पे और आज ट्रैवल करने वाले हैं गया से मदनपुर। यहाँ से गया से रफीगंज तक हम लोग ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं, उसके बाद बस के द्वारा ट्रैवल करेंगे, तो बने रहिए। हमारी ट्रेन निर्धारित समय पे आ चुकी है, हम लोग इसी ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। तेरह 305 धनबाद गया एक्सप्रेस, जो कि धनबाद से गया तक एक्सप्रेस और यहाँ के आगे पैसेंजर बनकर चलेगी, ये सभी ट्रेनों पे रुकती हुई जाएगी। इस यहाँ क्राउड देखिए कितना सारा क्राउड है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने गंतव्य रेलवे स्टेशन रफीगंज। ये थोड़ा ठीक ठाक बड़ा स्टेशन है और हम लोग यहाँ से, धूप बहुत लग रही है, हम लोग यहाँ से मदनपुर का बस पकड़ेंगे जो कि स्टेशन के दाहिने साइड से मिले। हम लोग ट्रेन को डिवोट कर दिए हैं और रफीगंज पहुंच चुके हैं। अरे यार इधर से तो बंद है, हम लोग किधर से जाएंगे? देखते हैं ऊपर से हम लोग पाते हैं।
सॉरी रफीगंज के मेन बाज़ार में है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा बाज़ार है। दोनों साइड मार्केट लगती है। हमारे साथ चलना। हम लोग इस मार्केट से चना खरीद के जा रहे हैं। पूरा बहुत सस्ता बाजार, पावर बैर खरीदे हैं। बहुत ही अच्छा बाजार लगा। अब बाजार ज्यादा नहीं देता, थोड़ा कम ही देता है, तो बने रहिए। है दादा? हाँ जी, आराम से। हाँ, उम्र हो गया है। गेटवा पर तक आवा ना, सी बन जाना इलाज कर। हाँ सर, मैं सी बन जा रहा हूँ। हम लोग मदनपुर के सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। पीछे छूट गया। औरंगाबाद के सीमा पार कर चुके हैं। सॉरी, औरंगाबाद की सीमा में आ गए। आपको बता दें कि ये रफीगंज जो है वो औरंगाबाद में ही आता है। बस का सफर बहुत ही सुहाना। ये रहा शिवगंज जीटी रोड के पास। हम लोग तो इस बस से उतर कर जीटी रोड से बस पकड़ लेंगे। शिवगंज बाजार। यहाँ से हम लोग बस के द्वारा मदनपुर जाएंगे। अभी हम लोग मदनपुर पहुँच चुके हैं। ये देखिए मदनपुर बाजार का नज़ारा, बिल्कुल जीटी रोड से सटे हुए यह शहर बसा हुआ है।